सोना उठ गए आप, ओल्ली अंगड़ाई लेके दिखा रहे हो। उठ गए पूरा टाइम मम्मी कुकिंग कर रही थी तब चुपचाप सोया था गुड बॉय बन के। अभी पापा के पास जाना है तो उठ गया। सब कुछ रेडी है, पैक हो गया है, धर्म दादा बस गए हैं गाड़ी निकालने के लिए और फिर हम निकलेंगे। मैंने सोचा कि सब कुछ टाइम पे बन गया है तो क्यों ना हम ही ले चलें शोएब के पास। एंड शोएब को आजकल रूहान के साथ ज़्यादा वक्त नहीं मिलता है और वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि वो रूहान के साथ भी थोड़ा खेल देंगे क्योंकि आज उन्हें आते तक दोबारा बहुत लेट हो जाएगा एंड ही विल स्पेंड सम गुड टाइम। ये देखिए फ्रेशन अप होके अच्छे अच्छे कपड़े पहन के शूज पहन के रूहान जो है एकदम एक्साइटेड होकर रेडी हो गया है पापा से मिलने जाने के लिए। चलिए चलते हैं और कुछ अच्छा अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, लेट्स गो। इसे भी ना पक्का समझ में आ जाता है कि अभी घुम्मी टाइम है, लेके जाने वाले हैं। और ये देखिए गाड़ी में बहुत इंजॉय करते हैं और कैमरा लुक तो देखो, जैसे ही कैमरा ऑन हुआ फटाक से लुक देनी है। कहाँ जा रहे रूहान? पापा से मिलने जा रहे, पापा से मिलने जा रहे। हाँ बेटा, पहुंच गए हम फिल्मिस्तान, बस यू टर्न लेके गेट में एंटर करना है। शोएब का भी फोन आ गया कि उनका जो है शूट जो है वो हो गया है और अब वो रिहर्सल का वेट कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने बता ही दिया कि मैं रास्ते में हूँ, मैं आ रही हूँ आ रही हूँ। तो चलिए हम लोग कहाँ हैं, हम लोग आ गए। पापा के सेट पे आया आज की, पापा की रिहर्सल देखने आया है रोहन, पापा की रिहर्सल देखने आया है रोहन। हाँ ये कैमरा चाल मेरे कैमरे से नहीं हटते, अभी आप रिहर्सल कर लो फिर खाना खा। और अभी ना हम लोग जा रहे हैं स्टेज रिहर्सल करने, तो मैं स्टेज देखूंगी जो आप लोग अभी नहीं देख पाओगे, आप लोगों को वेट करना पड़ेगा, आप लोग 11 तारीख को देखना। सो इसके बाद में हाँ जी, सो हो गया है अगला दिन, एक्चुअली अगली शाम हो गई है। मैंने सुबह से कुछ शूट नहीं किया, थोड़े काम में बिजी थी। कल रात को हम लोग बहुत लेट आए और शोएब बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि उनकी जो स्टेज रिहर्सल्स थी वो बहुत अच्छी रही पर बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था, बहुत थक गए थे वो बहुत ही ज़्यादा। अब वो क्यों एक्स्ट्रा ज़्यादा थके थे वो आप जब एक्ट देख लेंगे उसके बाद मैं आपको बताऊँगी। एंड तो इसीलिए और आज सुबह भी उनको जल्दी जाना था, सो वो आज सुबह से गए हुए हैं, अब तक आए नहीं हैं। एंड इसलिए फिर खाना भी घर आके खाया एंड एवरीथिंग, मैंने कुछ शूट नहीं किया एंड आज सुबह से मैं थोड़ा बिजी थी और अभी मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। एंड बाय द वे चिकन बहुत ज़्यादा अमेजिंग बना था, तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत क्विक चिकन है एंड बहुत यम लगता है, बहुत ही ज़्यादा यम लगता है। सो ट्राई ज़रूर करना ठीक है। शोएब को भी बहुत पसंद आया और इतना अच्छा हो कि मैंने खीर बनाई थी, शोएब ने बहुत खुश हो गए खाई क्योंकि उनकी थकान थोड़ी कम हो गई, सो दैट वाज गुड। सो यस अभी ना जमील भाई के पास से बनके मेरा एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा आउटफिट आया है। एक्चुअली वो मैंने किसी स्पेशल ओकेजन के लिए बनवाया है, स्पेशल दिन के लिए बनवाया है। एंड मैं सोच रही थी, ढूंढ रही थी कि ऐसा क्या पैटर्न बनवाऊँ कि मुझे कैरी करने के लिए भी इजी हो, क्योंकि रूहान गोद में रहेगा ऑब्वियसली, रूहान को फीड कराऊंगी या रूहान पास में रहेगा तो उसको कुछ चुभने जैसा नहीं होना चाहिए। एट द सेम टाइम मुझे कुछ बहुत ही सिंपल एंड बहुत क्लासी चाहिए था एंड तो वो बनके आ गया है। सबसे पहले आप देखिए कि पिंटरेस्ट पे जो मैं ढूंढ रही थी वो मैंने कौन सा डिज़ाइन फाइनल कीजिए, पहले वो देखिए और उसके बाद मैं आपको आउटफिट बताती। सो ये आउटफिट मैंने बनवाया है एंड जो पिक्चर में आपने देखा उसमें वो थोड़ा सा डिफरेंट था। मैंने अपने मतलब ऑब्वियसली मेजॉरिटी पैटर्न सेम है लेकिन जैसे कि मैंने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसे चेंज किया है। यहाँ पे मैंने राउंड नेक रखा है और हमने कलियाँ ऊपर से ली हैं एंड ये फीडिंग के लिए जो है जिप लगी हुई है, जैसे कि फीडिंग आउटफिट्स आते हैं बिल्कुल वैसे ही। और बस ये अब बॉडी कट ना रख के, अंगरखा ना रख के हमने पूरा अनारकली बनाया है।
जो ओवरऑल लुक है वो बिल्कुल सिमिलर आने वाला है। एंड ये इतना फ्लेयर रखा है, तो जमील भाई ने बोला था कि वो 1 मीटर का कपड़ा लेंगे और उतना फ्लेयर रखेंगे। सो ये देखिए, ये एक पैर का इतना फ्लेयर है, और ये मेजरमेंट लेके इस तरीके से हमने प्लेस किया है कि एक के नीचे एक आएगा। सो जब वेयर करूंगी और जब फुल विजुअल आएगा ना, तो वो नीचे स्ट्राइप्स, फिर ऊपर स्ट्राइप्स, एंड देन पूरा अनारकली। सो आई एम विजुअलाइजिंग, जितना मुझे फील हो रहा है कि ये बहुत ही क्लासी और स्मार्ट लगने वाला है। और इसके साथ मैं पहनूंगी मस्त सिल्वर ऑक्सीडाइज, मेरी फेवरेट झांझरिया की ज्वेलरी। एंड यस, आई थिंक अच्छा लगेगा। आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। ये बैक में ये ही लटकन लगाए हैं, जो पता नहीं दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, मुझे नहीं लगता दिखेंगे। सो पहन के मैं अभी आपको नहीं दिखा रही, मैंने आपको पूरा आउटफिट दिखा दिया। जो स्पेशल डे है उस दिन जब मैं पहनूंगी, इंशाल्लाह बहुत बहुत जल्द उस दिन आप देखेंगे कि ये आउटफिट मुझ पर कैसा लग रहा है।